और अब खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां पर किन्नर बनकर चोरी करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल ट्रेनों में किन्नर बनकर ये आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपी को फिलहाल जीआरपी पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। आरोपी के घर से 11 लाख कीमत के सोने के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। 7 से ज्यादा चोरी की घटनाओं का खुलासा भी अब हुआ है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अंशुल मुकाते हमारे इंदौर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, निश्चित तौर पर किन्नरों पर इस तरह से शक नहीं जाता, और शायद यही वजह है कि किन्नर बनकर चोरी की वारदात को अंजाम यहां पर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, डीआरपी थाना पुलिस को एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी कि जब वह ट्रेन से वापस लौट रहा था, इसी दौरान उसका बैग जो है वो ट्रेन से चोरी हो गया था। और इसी पड़ताल पर पुलिस जो है लगातार जांच कर रही थी, और जांच के दौरान ही सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस को प्राप्त हुए थे, जिसमें एक संदिग्ध जो है पुलिस को नजर आया था। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की, और जांच के बाद जब पूरे मामले में पता लगाया, तो यह खुलासा हुआ है कि एक आरोपी जो है वह ट्रेनों में किन्नर बनकर लगातार घूमता रहता है, और जैसे ही मौका पाता है, जैसे ही वो लोगों के बैग जो है वो गायब कर देता है, उसकी नजर जो है ऐसे लोगों पर रहती है जो कि किसी विवाह समारोह से या किसी बड़े समारोह से लौट रहे हैं, ताकि उसे अधिक से अधिक माल मिल सके। और जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, तो उसके घर से 11 लाख कीमत के जो सोने के आभूषण है वह भी जब्त हुए, जो कि अलग अलग चोरियों में उसके द्वारा चोरी किए गए थे। हालांकि पुलिस ने जो कैश है वह बरामद नहीं कर सकी। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी इन सोने के आभूषणों को कहीं बेच नहीं पाया था, इन्हें गला नहीं पाया था, जिसके कारण उन्हें वो घर में एकत्रित करके रख रहा था, और चोरी में जो कैश मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन करता था, और भेष बदल करके रेल में जो है लगातार सफर करता रहता था, पैसे मांगने का ढोंग जो है लोगों के सामने करता था, और मौका पा करके उनके बैग जो है गायब करके ट्रेन से उतर जाता था। फिलहाल जीआरपी थाना पुलिस जो है आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है, जिससे कि अन्य कई चोरी का खुलासा भी जो है यहाँ पर हो सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।